डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन आरसी ऑनलाइन पाठशाला। अब हम एक्सरसाइज 5.2 की बारी बात करते हैं और इसकी थ्योरी समझते हैं। पहले देखिए, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेसेस ऑफ ए ट्राइंगल आर, ये बोल देते हैं x1 y1 x2 y2 and x3 y3, ये आपके पास है, तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 और 1, ये आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1। देखिए, अगर आपको वर्टेक्स मिलते हैं किसी भी ट्राइंगल के, तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपने समझा था एरिया ऑफ ट्राइंगल, और एरिया ऑफ ट्राइंगल डेल्टा इक्वल टू 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 था। और अब बात करते हैं कंडीशन ऑफ कोलिनेरिटी ऑफ थ्री पॉइंट्स। कोलिनेरिटी का मतलब है, देखिए आपके पास सीधी बात है, जो डेल्टा है वो इक्वल टू जीरो आ जाए, मतलब कि ट्राइंगल का जो एरिया है वो जीरो आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो तीनों पॉइंट्स हैं वो क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, मतलब आर इन सेम लाइन। देखिए 1/2 x1 y1 1, ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, क्वेश्चन इन फॉर्मूलों से डायरेक्ट होगा, और इक्वल टू जीरो। अब ये 1/2 तो किसी काम का नहीं है, 0/1/2 कर दो तो जीरो बन जाएगा, तो आपको क्या बन जाएगा, x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 1 इक्वल टू जीरो। इस प्रकार से आपने ये कोलिनेरिटी ऑफ थ्री पॉइंट्स को भी कंप्लीट कर दिया है, ये भी आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, ये आप बोल सकते हो x1 y1 and x2 y2। तो देखिए, आप ऐसा बोल सकते हो कि ये कोई लाइन है और ये आपके पास पॉइंट x1 y1 और दूसरा x2 y2 से जा रही है। देखो, एक तो आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो, जो 11th क्लास में पढ़ा था, y-y1 = y2-y1 / x2-x1 × x-x1 वाला फॉर्मूला। लेकिन अब आपको डिटरमिनेंट वाला एक फॉर्मूला यूज करना है, तो क्या फॉर्मूला बनता है देखिएगा, x1 x1 y1 1 x2 y2 1 और इक्वल टू जीरो। तो अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है और आपको या तो वो डिटरमिनेंट के बारे में बोलेगा कि आपको लाइन का इक्वेशन डिटरमिनेंट मेथड से फाइंड आउट करो, और अगर नहीं भी बोलता है तो भी आपको डिटरमिनेंट का ही यूज करना है, और अगर डिटरमिनेंट का फॉर्मूला आपको याद ही नहीं रहता तो आप फिर 2D का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। इस प्रकार से हमने ये तीनों कॉन्सेप्ट को ठीक प्रकार से समझ लिया है। अब हम इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 1 आपको अपने आप से करना है। देखिए, यूजिंग डिटरमिनेंट्स फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद 3 वर्टेसेस आर द गिवन पॉइंट्स कोलिनियर, ये आपको बताना है। देखिए सॉल्यूशन, देखो वर्टेसेस ऑफ ट्राइंगल आर क्या क्या है, 1/4 2/3 and -5 or -3। अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, अभी बताया 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, कंप्लीट। उसके बाद आप इन पॉइंट्स को रख दो, x1 का वैल्यू क्या है, 1/4 1 2 3 1 -5 -3 और 1,
कंप्लीट। अब उसके बाद इस डिटरमिनेंट को सोल्व कर लीजिए, देखिए सोल्व करने के बाद क्या आता है। ये 1/2 आपको बाहर रखना है, उसके बाद देखो 1 into क्या होगा 3 और प्लस 3, 3 + 3, उसके बाद ये क्या होगा माइनस के साथ आएगा, प्लस माइनस प्लस, तो -4 और इसके साथ क्या होगा, ये पूरा डिटरमिनेंट हटा दो, ये पूरा कॉलम और ये पूरा रो हटा दो, क्या बच गया 2 + 5, उसके बाद देखिए +1 और क्या आएगा, ये रो हटाओ ये कॉलम हटाओ तो क्या आया -6 + 15, ये आ गया -6 + 15। इसको आप सोल्व कर सकते हो, देखिए 1/2 और ये क्या होगा 6 - 20 और उसके बाद +6 - 40, 6 - 28 और प्लस में 9, ये आ गया आपके पास। अब इसे आप लिख लीजिए 1/2 15 - 28 और यहां से आपका आया -13/2, तो इसे आप क्या करोगे पॉजिटिव करोगे, क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है नेगेटिव नहीं होता, तो ये क्या हो गया 13/2 स्क्वायर यूनिट, ये लो। उसके बाद अब लास्ट में आपको बोला था आर दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर और नोट जो भी था, तो लिखो हैंस ऑल 3 points आर नोट कोलिनियर बिकॉज डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। इस प्रकार से आपने कर दिया है और यहां पे आप लिख भी सकते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑलवेज पॉजिटिव, तो -13/2 कन्वर्ट इन 13/2 स्क्वायर यूनिट, हैंस ऑल 3 points आर नॉट कोलिनियर बिकॉज डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। फ्री अभी